मामा प्लीज आके खाना खा ले, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी वरना, और अब आपने मेडिसिन भी तो लेनी है। अरे खाना नहीं खाना, जिद मत करो। बाबा थोड़ा सा तो खा लेना। एक दिन खाना नहीं खाऊंगा तो मर नहीं जाऊंगा। अल्लाह ना करे बाबा। मर तो मैं उसी दिन गया था जब तुम्हारे भाई ने मनैर से चुप कर शादी की थी। माशी पापा प्लीज संभालें खुद को, स्ट्रेस अच्छा नहीं है आपके लिए। मुझे तो फरियाल की फिक्र है कामरान, मेरा मतलब अब वो बच्ची किस हाल में होगी, कैसे होगी। फरियाल बिल्कुल ठीक है, नौशीन की बात हुई थी उससे, बहरहाल उसने ये नहीं बताया कि वो कहां पर है, लेकिन वो ठीक है। मेरी वजह से उसकी जिंदगी आजमाइश बन गई, वो पता क्यों बताएगी। कयामत के दिन मैं अमानत अली को क्या मुंह दिखाऊंगा। देखें बाबा, आप जो फरियाल के लिए कर सकते थे आपने किया, और आप ना फिक्र करें, आप देखिएगा कि शाहजैन कुछ दिनों में घर वापस आ जाएगा, ट्रस्ट मी। कामरान मुझे शाहजैन इस घर में बिल्कुल नहीं चाहिए, समझे तुम तो?